Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you're doing good guys. So, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे. आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि आपको मेरे चैनल पे क्रीवा हॉल देखनी है, तो मैं लेकर आ गई हूँ क्रीवा हॉल. तो क्रीवा पे आपको स्पेशल कलेक्शन मिलती है लहंगा चोलीज की, सलवार सूट्स की. तो स्पेशलाइज है ये लहंगा चोलीज एंड सलवार सूट्स के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटीज मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलेंगे. ये वेबसाइट पे चल रही है इंट्रोडक्टरी सेल 50% ऑफ, तो गाइस जरूर चेक करें. क्रीवा.com की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लिंक्स के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए. प्रीपेड ऑर्डर पे आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है, आपको चेंज करना हो, तो क्रीवा पे बहुत ही ईजी एक्सचेंज पॉलिसी भी है, जहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और बहुत ईजिली एक्सचेंज हो जाएगा. कस्टमर सपोर्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्रीवा से रिलेटेड. तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है. मैं आपको दिखाऊंगी लहंगा एंड साड़ी क्रीवा से. एंड वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको कौन सा लहंगा अच्छा लगा, कौन सा लुक अच्छा लगा. और कोई भी लुकबुक आपको पसंद है, लहंगा पसंद है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड नाउ वी टॉक अबाउट डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. माई फर्स्ट लहंगा इज इस वेरी ब्यूटिफुल येल्लो एंड बेबी पिंक कलर की इस लहंगा है. एंड इसकी फ्लेयर कुछ इतनी है गाइज. सेमी स्टिच लहंगा है ये. सो मैंने यहाँ पे लुकबुक में आपको पिनअप करके दिखाया है. ये आती है बहुत ही सुंदर थ्रेडवर्क के साथ, येल्लो ब्लैक बेबी पिंक की एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, जो बहुत ही फिनिशिंग वाली वर्क है. इनर लाइनिंग आप देख सकते हैं सैटन की है. बहुत ही अच्छी मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है. एंड फुल केन केन के साथ ये लहंगा बनी हुई है. सो फ्लेयर काफ़ी अच्छी आ रही है, फ्लेयर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी. पहनने पे बहुत सुंदर लगेगी. दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई कुछ इतनी है, चारों तरफ लेस लगी हुई है. एंड ये ब्लाउज का कपड़ा अलग से है. ब्लाउज का ये जो कपड़ा है वो थोड़ा सा हार्ड काइंड ऑफ है, तो इनर वैसे भी अटैच लाइनिंग के साथ आपको स्टिच करानी होगी. इस पर कोई लाइनिंग नहीं है, तब ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. थोड़ी ट्रांसपेरेंट है एंड इस पर आपको बहुत ही लंबी लेसेस मिली है ब्लाउज के, ब्लाउज में लगाने को, जो इस तरीके से दिख रही है. गोल्डन एंड सिल्वर का वर्क करा हुआ है, तो अपने हिसाब से आप इस ब्लाउज को बना सकते हैं. ये लहंगा मुझे पहनकर बहुत ज़्यादा पसंद था. इवन ये कलर बहुत खिलकर आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट कलर है, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, नेट का वर्क बहुत सुंदर है. एंड सॉफ्ट नेट है, आर्ट सिल्क मटेरियल है, फ्लेड हेम है. एंड आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है, तो मैंने क्रॉप टॉप में आपको पहनकर दिखाया है. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. My next lehenga is this very beautiful turquoise blue color की लहंगा है guys. ये बहुत ही ज़्यादा gorgeous color है, पूरा full work वाला लहंगा है ये. और ब्लाउज पीस आ रही है जिसपे अटैच लाइनिंग भी है. सो फुल आपको फ्रंट पे बैक पे वर्क मिल रही है एंड ब्लाउज की स्लीव्स पे भी वर्क मिल रही है. तो अगर ब्लाउज स्टिच करा के आप इसे पहनोगे तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगी. बहुत ही सॉफ्ट इनर लाइनिंग है. दुपट्टे पे फुल चारों कोने पे वर्क करा हुआ है सेम लहंगे पे जो है, जो बहुत ब्यूटीफुल है. चौड़ाई लंबाई दुपट्टे की काफी अच्छी है. लहंगा फुल केनकेन के साथ है, बहुत अच्छी फ्लेयर है. एंड आप वर्क देख सकते हैं कि कितना सुंदर, लाइक टोन पे टोन अभी बहुत ज़्यादा फैशन पे है. एंड उस पर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर तो और ज़्यादा खिलकर आ रहा है. काफ़ी अच्छी फ्लेयर है लहंगा की. वर्क को मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वर्क करा हुआ है. मटेरियल इसका इनर लाइनिंग का बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सुंदर है. एंड फुल केन केन के साथ है, फ्लेयर बहुत अच्छी बन रही है. मुझे ये लहंगा कलर वर्क सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया. मैंने इसे सिंपल ब्लैक क्रॉप टॉप पे पहना है, तो ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही है. अगर मैं इसे उसकी ब्लाउज स्टिच करा के पहनूंगी तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि टोन पे टोन अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है. प्राइस वगैरह आपको सारे लहंगा की स्क्रीन के साइड पर मैं दे रही हूँ, साथ ही साथ कॉमेंट में आप बताना आपको कैसी लगी. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी. Take a chance on faith, so take a chance. I never want no
माई नेक्स्ट लहंगा इज दिस लाइट ब्लू कलर की, लाइक ग्रे टोन एंड ब्लू टोन की लहंगा है जो बहुत ही लाइट कलर है एंड ऐसी कलर गाइज इन दिनों बहुत इन है. सो दुपट्टे पे आपको वर्क मिल रही है, पूरे दुपट्टे पे साइड पे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल रही है, लेसेस लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है. पूरी लहंगे पे जो प्लीट्स बनी हुई है इस लहंगे पे, वो इस लहंगे को काफ़ी अच्छी बना रही है. नीचे को पूरी सीक्वेंस वाइट सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है. स्क्रीन के साइड पे आपको प्राइस वगैरह मैं मेंशन कर दे रही हूँ साथ ही साथ. तो पर्सनली मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया. इसकी ब्लाउज का कपड़ा कुछ इतना मिला है जो दुपट्टे पे अटैच करके आया हुआ है. सीक्वेंस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वर्क का है, बहुत सुंदर नीट फाइन क्लीन करा हुआ है. अगेन स्टिच कराने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी. दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है एंड इनर लाइनिंग ब्लाउज पे इस पर नहीं है, इस पर आपको खुद का लेना होगा. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. आप इनर लाइनिंग देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की है, जो प्लीट्स फ्लेयर बहुत सुंदर लग रही है इस लहंगे की एंड फुल केनकेन के साथ ये लहंगा आ रही है, तो फ्लेयर काफ़ी अच्छी बन रही है. प्लीट्स की वजह से मुझे बहुत पसंद आई, इसके कलर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि अगर मैं इसका अगेन ब्लाउज अगर स्टिच करा के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. बट ऐसे भी बहुत गॉर्जियस लग रहा है. आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं. Wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a flawless place. So take a chance. Take a chance. A chance on faith. So take a chance. Take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. My next लहंगा is this very beautiful baby pink कलर की, बहुत ही gorgeous लहंगा है क्योंकि इस पर फुल मिरर वर्क बना हुआ है guys. एंड इसका कलर इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना प्यारा है रियल में कि आपको ये मिलते ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, फुल मिरर वर्क बना हुआ है एंड आपको मैं लहंगा दिखा रही हूँ. पूरी फ्लेयर कितनी अच्छी है, कलियाँ बनी हुई है, पूरा फुल मिरर वर्क है जो थोड़ा सा भी हिल रहा है तो आप देख सकते हो कि कितना शाइन कर रहा है. जिस पे गोल्डन वर्क भी करा हुआ है तो इस पे आप सिल्वर गोल्डन दोनों तरह की ज्वेलरी डाल सकते हो. इनर लाइनिंग के साथ आती है बट इस पे आपको केनकेन नहीं मिलेगी, इसके वजह से इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा खिलकर नहीं आ रही है. और एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट लाइक लॉन्ग हाइट गर्ल्स है उनको ये लहंगा शॉर्ट होगी, उनको नहीं आएगी है, क्योंकि लहंगा की जो थोड़ी सी लेंथ है वो थोड़ी सी कम है. 5'4" तक ये आराम से आ जाएगी, 5'4" 5'5" बस, उससे लॉन्ग हाइट को नहीं आएगी. सो ये ब्लाउज का कपड़ा है, उस पर नेकलाइन पे डिज़ाइन बनी हुई है और ये मुकेश का थोड़ा वर्क करा हुआ है पूरे ब्लाउज के कपड़े में. बहुत सॉफ्ट है, जॉर्जेट मटेरियल है. कलर उसका वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बट अगर लेंथ थोड़ी और होती तो सबको ये बहुत ईजिली आ जाती, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ लेंथ के वजह से. बट ओवरऑल लहंगा बहुत सुंदर है. प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड पे मिल जाएगा एंड कॉमेंट पर ज़रूर से बताना कि आपको ये लहंगा कैसी लगी. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Oh. I never want to look back and wish I could have been. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस ब्यूटिफुल रफल साड़ी एंड ये इतना ब्यूटिफुल है गाइज कि मैं बोलूँगी कि प्लीज़ जाओ अभी इसे ख़रीद लो, ये इतना सुंदर है रियल में. एंड इसका कलर बहुत सुंदर है, कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है इस पर, जो वर्क डार्क ग्रीन एंड गोल्डन सिल्वर, सिल्वर गोल्डन की वजह से आप सिल्वर ज्वेलरीज भी पहन सकते हो, गोल्डन भी पहन सकते हो. मैंने इस पर सिल्वर ज्वेलरीज डाली है. मुझे ये साड़ी का कलर बहुत पसंद आया एंड इस पर आपको फुल कपड़ा मिल रहा है, लाइक आप इसे पेटीकोट स्टिच करा सकते हो या फिर कुछ अंदर पहनने को कुछ कंफर्टेबली आप स्टिच करा सकते हो. ये इसका ब्लाउज का कपड़ा है जिसपे आपको वर्क वही कलरफुल सेम वर्क मिलेगा.
पूरे साड़ी पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर थ्रेड वर्क एंड सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है। 3 लेयर्स आपको मिल रही है रफल्स की, जो बहुत सुंदर लग रही है। और ऊपर भी प्लेन नहीं है, आप पूरी सीक्वेंस देख सकते हैं। बट आंचल जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आपको सिंगल लेयर मिल रही है रफल्स की, जो कि बहुत गॉर्जियस लग रही है। अगर 3 लेयर होती आंचल में तो ब्यूटीफुल नहीं लगती, बट इस वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल एंड पहनने पर कम्फर्टेबल है। ग्रीन, ऑरेंज, गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत खिलकर आ रहा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं 200% रिकमेंड करूँगी। आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी, एंड फ्यूचर में आप चाहें तो साड़ी पहनकर इसे लहंगा भी स्टिच करा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगी इसके वजह से। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Okay guys, that's it for today's video. I hope video pasand aayi ho. Koi look, koi lehengas, to like zarur se kar dena. Comment mein batana ki kaun si look achhi lagi, lehenga achhi lagi, aur subscribe kar dena guys. Aur bahut jald milte hain next video pe. Bye.